सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद और नहमिया ट्रस्ट पाकिस्तान की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक़दा दी पीस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान में मजहबी रवादारी और समाजी हम आहंगी को फ़रोग देने में मजबूत जमहूरियत के अहम किरदार पर जोर दिया है। सिंध असम्बली के स्पीकर सईद अवैस कादर शाह ने अकलियती पार्लियामेंट्री इसका किस के क्याम का ऐलान किया, जिसका मकसद अकलियतों के हकूक का तहफ़ और उन्हें आगे बढ़ाना है। मकामी होटल में मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी पादरी ने शिरकत की, जिनमें मुसलमान, मसीही, हिंदू, सिख और पारसी शामिल थे। सिंध असम्बली के स्पीकर सईद अवैस कादर शाह ने कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादर शाह ने सिंध के वर्से को सूफी तालीमात के गढ़ के तौर पर उजागर किया, जो मजहबी रवादारी के फरोग के लिए मशहूर है। पाकिस्तान के क्याम की गहवारा के तौर पर सिंध असम्बली की तारीखी अहमियत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने मौजूदा डिप्टी स्पीकर एक मसीही पाकिस्तानी एंथनी नवीद के जरिए तनु के नुमाइंदगी को नोट किया। कॉन्फ्रेंस से दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए मजहबी हम आहंगी और रवादारी को पाकिस्तान की ओबलेन ज़रूरत करार दिया और कहा कि पाकिस्तान इस दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां तमाम अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मेहमानों को शील्ड भी पेश की गई।